शहबाज गिल के लैपटॉप से हसास लिस्ट बरामद। इमरान खान और शहबाज गिल में दूरियां पैदा हो गईं। सीनियर सहाफी एजाज सैयद ने कहा है कि जब शहबाज गिल गिरफ्तार हुए तो उनसे दो हसास चीजें बरामद हुई थीं। एक तो सैटेलाइट फोन मिला जिसकी मदद से वो दो फौजी शख्सियात से गुफ्तगू किया करते थे, और दूसरा लैपटॉप जिसमें एक ऐसी लिस्ट मौजूद थी कि शहबाज गिल के किरदार पर कई सवालात खड़े हो गए। एजाज सैयद ने दावा किया कि इमरान खान के साबिक चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल के लैपटॉप में 114 फौजी अफसरान और उनके खानदानों के कवायद पर मबनी एक हसास लिस्ट मौजूद थी। मामले की तहकीकात से पता चला कि वो लिस्ट नादरा से आई थी जिसमें मुबैना तौर पर उस वक्त का डेटा इंचार्ज मुलव्वस पाया गया। सीनियर सहाफी का कहना था कि इस हसास लिस्ट का एक मुबैना मकसद फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए ये तासुर फैलाना था कि फौजी अफसरान और उनकी फैमिलीज तहरीक इंसाफ से मोहब्बत करते हैं और इमरान खान के साथ खड़े हैं, जबकि दौरान हिरासत शहबाज गिल ने इस हवाले से एतराफ के अलावा खान साहब की कई पर्सनल बातें भी इंटेलिजेंस वालों को फर फर बता दी थी। एजाज सैयद ने मजीद कहा कि शहबाज गिल से होने वाली तफ्तीश के बाद इमरान खान ने भी अमली तौर पर उनको जमान पार्क से दूर कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई दरअसल इस फासले के जरिए फौज को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो ऐसे बंदे को अपने करीब भी नहीं देखना चाहते जिसने अफसरान के नामों से प्रोपेगेंडा का मंसूबा बनाया और उन्हें साबिक चीफ को फारिग करने का मशवरा दिया था।